हाई गाइज आई होप यू आर आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द फिफ्थ चैप्टर ऑफ ए सी सी एफ नाइन एंड देश द चैप्टर इज एसेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल राष्ट्र ठीक है अब इस चैप्टर में गायज हम क्या पढ़ेंगे देखना ये चैप्टर जो पुराना हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक कैरी फॉरवर्ड चैप्टर है और इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमें एनपीवी निकालना होता है कि एनपीवी जो हमारा प्रोजेक्ट है अगर वो पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट लेंगे नेगेटिव आया तो हम प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे अब एनपीबी निकालने के लिए ही दो तीन चीजें और इन्होंने ज्यादा डिटेल बताई है क्योंकि ऑफकोर्स हम एक अब स्किल लेवल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा स्किल एनहांस होगा तो सिंपल एन जो हमने पिछले चैप्टर्स में कड़ा था वो तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है अब हम उसमें और डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में ठीक है अब वो डिटेल क्या है देखो अब यहां पर इन्होंने सबसे पहली चीज हमें बताई हुई है एक है लीज वर्सेज बाय अब लीज वर्सेस बाय का मतलब क्या है लेट्स से कि हमें पता है कि हमें ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है यानी इस प्रोजेक्ट में वी रिक्वायर अ बिग प्लांट कि हमें एक प्लांट चाहिए फिक्स जिसका हमें खूब सारा लेट्स से हमारा वन लाख डॉलर का टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगी ठीक है जिसका एन हमने देखा था ये प्लांट लगा के इतना रिटर्न आएगा ये सब वो सब डेप्रिसिएशन ये सब कुछ हमने देख लिया था अब हमें अगर इतने पैसे इस प्लांट में लगाने हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो जो पैसे हमें लगाने हैं क्या वो पैसे हम अपनी पॉकेट से लगाएं मतलब एक तरह से या तो हम लोन लेके लगाएं कि प्लांट वो परचेज करें या फिर हम उस प्लांट को लीज पे लें लीज एक तरह से होता है रेंट कि हम उसको रेंट पे लें तो दोनों ऑप्शंस की हम उसको परचेज ना करें हम रेंट पे लें तो हमारा एनपीवी क्या होगा और अगर हम इस प्लांट को बाय करते हैं परचेज करते हैं तो क्या होगा तो मैं सारा बताऊंगा परचेज के, के केस में क्या क्या चीज़ें हम ये अज्यूम करके चलते हैं वो सारा हम आगे इस चैप्टर में करेंगे तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर

रेंटल पे करना पड़ेगा जो होगा हमारा आउटफ्लो फिक्स रेंटल देखो मैं इसमें सारा क्लियर करके लिख रहा हूं बहुत ही सिंपल पॉइंट है हमें फिक्स रेंटल पे करना पड़ेगा विच विल बी आउटफ्लो फॉर अस ये जो हम रेंटल पे करेंगे इसमें हमें टैक्स रिलीफ भी मिलेगा वाई टैक्स रिलीफ क्योंकि जो मैं रेंट पे करूंगा दैट इज माई एक्सपेंस तो एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट कम प्रॉफिट कम मतलब टैक्स में सेविंग तो इस रेंट पे मेरा कुछ टैक्स रिलीफ भी मिलेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मुझे नो no डेप्रीसीशन मुझे कोई डिप्रीसीएशन लीज के, के केस में नहीं मिलती ठीक है गाइस तो रेंट का मतलब या लीज का मतलब क्या होगा तीन चीजें सबसे पहला हमारे को इस पर रेंट पे करना पड़ता है दैट मीन्स फिक्स रेंटल एक्सपेंस ये हमारा आउटफ्लो होगा इस पर हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा क्योंकि जो हम रेंट पे करते हैं उस पर हमें टैक्स रिलीफ मिलता है और कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती क्योंकि एसेट हमने परचेज नहीं किया अब ये है रेंट के केस में अब आता है कि अगर हम उस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उसको ध्यान से समझना <coughs> क्या इम्पॉर्टेंट है जब भी हम चीज़ कोई बाय करते हैं हम ये नहीं अज्यूम करते कि वी ऑलरेडी हैव मनी टू बाय हम कभी भी ये अज्यूम नहीं करते कि वी ऑलरेडी हैव मनी टू बाय मतलब अगर मैंने प्रॉपर्टी बाय की है मैंने अगर वो प्लांट बाई किया है तो मेरी एजम्शन यही रहेगी हमेशा कि मैंने वो बाय किया है लोन ले कर मैंने कुछ भी कैश पेमेंट नहीं करी क्यों अगर मेरे पास ऑलरेडी कैश है दैट इज़ अ संक मतलब ऑलरेडी मेरे पास कैश है तो कैश है तो इट्स बेटर ना कि सीधा लीज पे ले लो फिर या सीधा बाई कर लो कैश है तो सीधा बाय कर लो फिर तो लीज़ का सवाल ही नहीं लेकिन हम एज अ बिजनेसमैन मैंने हमेशा बताया हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें अपनी पॉकेट से पैसा लगाना चाहिए या लोन लेना चाहिए यहाँ पे वो चीज़ हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में कि बिज़नेस में लोन लेना है या अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है वो चीज़ कि हमें इक्विटी लगानी है इक्विटी मतलब ओनर का पैसा या फिर हमें लोन लेना है वो हम पढ़ेंगे बाद में अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना हमें अभी सिर्फ ये मानना है कि अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम एन निकाल रहे हैं एन पी वी पर्पज के लिए अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं हम हमेशा वो लोन से ही परचेज करेंगे हम उसमें अपनी पॉकेट से पैसे नहीं लगाएंगे ठीक है ये हमेशा याद रखना चाहो तो लिख भी सकते हो जो मैंने लिखा है बट नॉट एस रिक्वायर्ड तो दिस मीन्स अगर हमने प्रॉपर्टी बाय की है दैट मीन्स हमने लोन पे बाय किया अब लोन पे क्या होगा ए एक तो हमें लोन पे इंटरेस्ट पे करने लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे दैट विल बी अ आउटफ्लो दैट विल बी अ आउटफ्लो और उस पर हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं दैट मींस ये हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा जो हम अपने कैश फ्लो में छो करेंगे दूसरी चीज यहां पे हमें डेप्रिसिएशन भी अलाओबल होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर हमने लोन पे ली है दैट मीन हमने परचेस करी है तो इसमें डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगी और डेप्रिसिएशन पे भी हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स रिलीफ मिलेगा इंटरेस्ट पे भी टैक्स रिलीफ मिलेगा और जब ये प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे पाँच साल बाद इसको जब हम अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्पोजिंग के टाइम पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती वहाँ पर या तो हमारा बैलेंस चार्ज होता है या बैलेंस अलाउंस ठीक है ना बैलेंस अलाउंस मतलब ये बचा हुआ है या बैलेंस चार्ज वो हमें पता ही है सारा तो वो है हमारा लीज एंड बाय यही है लीज एंड बाय हमें क्या करना पड़ेगा हमें दोनों ऑप्शंस में कोई भी हमारे को अगर केस आता है एज अ प्रोफेशनल हमारे पास कोई केस आता है हमें दोनों ऑप्शंस के साथ एन एक सेकंड गाइस ये क्या हो गया एक सेकेंड गाइस सॉरी गाइस मुझे सारा रब करना पड़ रहा है ये हिल गया तुम बैक करके लिखना है तो लिख लेना तो मेरा क्या पर्पस है यहां कि हमें दोनों ऑप्शन के थ्रू हमें अपनी एनपीवी निकालनी पड़ेगी और जहां पे एनपीवी ज्यादा आ रही होगी वो वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे सिंपल ठीक है तो यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है दी एनपीवी ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लो फॉर बोथ दस आर फाउंड एंड कम्पेयर एंड देन दी लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन इज सिलेक्टेड सिलेक्टेड मतलब जहां पर एनपीबी ज्यादा है द फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसिडर्ड सेपरेटली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे कि मैंने बताया था द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स आर अज्यूम टू बी कॉमन इन ईच केस मतलब जब भी हम ये वाला टॉपिक उठाते हैं और हम एनपी बी निकालते हैं दोनों से हम ये मानते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वॉट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट वो दोनों केस में हमारा सेम होगा उसमें कोई भी फर्क नहीं है ठीक है क्योंकि अगर दोनों केस में ऑपरेटिंग रेवेन्यू ही अलग होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट ही अलग होगी तो उस केस में तो इसका मतलब यह है कि हमारे को हम सही आंसर निकाल ही नहीं सकते तो हम मान के चलते हैं कि रेवेन्यू बेसिकली प्रॉफिट बिफोर जो भी एडजस्टमेंट है हमारी वो दोनों केस में सेम है ओनली रेलिवेंट कैश फ्लो राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ फाइनेंस आर इंक्लूडेड इन एनपी कैलकुलेशन अब सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया लीजिंग तो लीजिंग में क्या क्या होता है एसिड इज नेवर ओन बाय द कंपनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ टैक्समैन द फाइनेंसिंग कंपनी अब ये गाइज इंपॉर्टेंट है क्या दी फाइनेंसिंग कंपनी रिसीव द टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन एज दी ओनर ऑफ द एसेट ये मैं हूं मैंने एक प्लांट लगाना था ये एक कंपनी है मैंने कंपनी से प्लांट लीज पे लिया मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैंने परचेस करना है और इसके बदले मैं उनको हर महीने रेंट पे कर रहा हूं That means, ये जो प्लांट है उसके ओनर कौन है अभी भी उसकी ओनर यह कंपनी ही है तो यह जो कंपनी है इसको financing company जो बोला हुआ हैलकुलेट कर सकती है हम अगर अपनी बात करें जिसने ये प्रोजेक्ट लगाया है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको ओन ही नहीं करते द यूजर रिसीव नो टैक्स अलावेबल डेप्रीसिएशन बट इज एबल टू ऑफ सेट फुल रेंटल पेमेंट अगेंस्ट टैक्स कि जो हम रेंट पे कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो हम पूरा पूरा क्लेम कर सकते हैं एज अ कैश आउटफ्लो द रेलिवेंट कैश फ्लो फ्रॉम द यूजर ऑफ इन केस ऑफ लीज विल बी एक तो लीज पेमेंट यानी रेंटल पेमेंट जैसे मैंने बताया था ऊपर कि रेंटल पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा आउटफ्लो और जो हमारा टैक्स रिलीफ हो रहा है इस पे वो हो जाएगा हमारा इनफ्लो जो इस पे हमारा टैक्स रिलीफ हो रहा है वो हो जाएगा हमारा इनफ्लो सेकंड ऑप्शन आता है हमारा बाइंग की अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो बाय के केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मैंने ऊपर लिखवाया था द दम्पन इज दैट बाइंग रिक्वायर्स यूज ऑफ बैंक लोन फॉर द सेक ऑफ कंपेरेबिलिटी द यूजर इज द ओनर ऑफ द एसेट कि हम मानते हैं कि हमेशा हमने प्रॉपर्टी लोन लेके बाय करी है अपनी पॉकेट से कुछ भी कैश नहीं दिया इंप्लीकेशन द यूजर विल रिसीव टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन हमें डेप्रिसिएशन मिलेगी और इस पर रिलीफ मिलेगा एंड टैक्स रिलीफ फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन हमें इंटरेस्ट पेबल पे भी टैक्स रिलीफ मिलेगा ठीक है द रेलिवेंट कैश फ्लो वुड बी परचेस वैल्यू एनी एसोसिएटेड टैक्स इंप्लीकेशन ड्यू टू टैक्स डेप्रिसिएशन अब यहां देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान से पढ़ेंगे जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और हमने लोन लिया होता है तो उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं तो इंटरेस्ट भी हमें अलाउड होगा इस कैश फ्लो और इस इंटरेस्ट पे हमें टैक्स रिलीफ भी मिलेगा है ना अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे दैट इज कैश आउटफ्लो और उस इंटरेस्ट पे हमारा टैक्स बचेगा तो टैक्स रिलीफ हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा लेकिन अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में जब हम बाइंग का ऑप्शन लेते हैं हमारे लिए कैश फ्लो क्या क्या रेलिवेंट होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे एक तो परचेज कॉस्ट जो हमने परचेज कराए एक हमारी कोई भी रेजिडल वैल्यू जो एसेट की है ये जो हमने लास्ट चैप्टर से देखा था और एसोसिएटेड टैक्स इम्प्लीकेशन ड्यू टू टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन मतलब ना तो हम इंटरेस्ट पेमेंट को शो करेंगे ना उसके ऊपर जो हमें टैक्स रिलीफ मिल रहा है हम उसको शो करेंगे ये दोनों चीजें हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स लीफ मैं रेड से मार्क करता हूं ताकि तुम अच्छे समझ पाओ डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट और दी टैक्स लीफ अराइजिंग ऑन देम इन दी एन पी वी कैलकुलेशन एज दिस इज डेल्ट विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल सी बिलो कि जो इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं और जो इस पर टैक्स रिलीफ हो रहा है इसका कैश फ्लो से कोई मतलब नहीं है इसका जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट होता है जैसे टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है इस पर इंप्लीकेशन होगा वो हम अभी आगे देखेंगे तो हमें क्या करना है अगर हम एसेट बाय कर रहे हैं तो हमें परचेस कॉस्ट हमारा एक्सपेंस रेजल वैल्यू हमारी इनफ्लो ये ये आउटफ्लो हो जाएगा हमारा ये हमारा इनफ्लो और जो डेप्रिसिएशन पे हमें टैक्स अलाउंस है वो हो जाएगा हमारा इनफ्लो ठीक है और इंटरेस्ट पेमेंट जो है और जो इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स रिलीफ है वो हमें यहां पे कैलकुलेट नहीं करना ये याद रखना ये तुम चाहो तो लिख सकते हो चाहो तो तुम्हें याद ही रहेगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अब आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैं बात तुम्हें बता रहा था एज द इंटरेस्ट पेमेंट अट्रैक्ट टैक्स रिलीफ वी मस्ट यूज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज आर डिस्काउंट रेट द सेम इज यूज फॉर बोथ लीजिंग एंड बाइंग चाहे हम लीज कर रहे हैं चाहे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं लोन पे रिफ्लेक्टिंग द रिस्क लेवल ऑफ लेंडर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस कंपनी मतलब अगर हमें लेट से दिया हुआ है पोस्ट अगर हमें दिया हुआ है से प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स हमारी है टेन परसेंट ठीक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कितनी दी हुई टेन परसेंट हमें दिया हुआ है टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट कितना दिया हुआ है टैक्स रेट थर्टी परसेंट हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा गाइस पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हम इसी में अपना टैक्स माइनस कर देंगे ये इंप्लीकेशन होगा इस चैप्टर में तो बस ये याद रखना कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है हमें हमेशा पोस्ट टैक्स लेनी होती है पोस्ट टैक्स मतलब जिसमें टैक्स ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं अब हमें दी हुई अगर प्री टैक्स तो हम क्या करेंगे प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग प्री टैक्स वाली इनटू वन माइनस टैक्स रेट जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमें प्री टैक्स दिया हुआ है टेन परसेंट और टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट तो टेन परसेंट इंटू या इसको मैं बोलता हूँ जीरो पॉइंट वन जीरो इंटू वन माइनस पॉइंट थ्री जीरो मैंने टैक्स इसमें से माइनस कर दिया तो ये मेरा हो गया जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सो ये मेरा हो गया पॉइंट वन ज़ीरो इंटू पॉइंट सेवन जीरो दैट इज़ पॉइंट जीरो सेवन सो ये आ गया मेरा जीरो पॉइंट जीरो सेवन और सेवन परसेंट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेरी पोस्ट टैक्स आएगी दैट विल बी सेवन परसेंट हमें क्वेश्चन में बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है कि हमें प्री टैक्स दिया हुआ है या पोस्ट टैक्स अगर पोस्ट टैक्स दिया हुआ है तो वही यूज़ करेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसके थ्रू हम एन पी वी निकालते हैं और अगर हमें प्री टैक्स दिया हुआ है तो प्री टैक्स में पहले हमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा फॉर्मुला होगा टैक्स लगता ही नहीं है तो वहां पर प्री टैक्स या टैक्स में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि कंपनी पर टैक्स ही नहीं लगता अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसको मैं तुम्हें बोलूंगा इस चीज को तुम एक बार पढ़ लेना जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने वाला नहीं है मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं हम सीधा सीधा करते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर वन और ये मैं करता हूं स्प्रेडशीट में ताकि तुम्हारे को स्प्रेडशीट में जल्दी से आंसर निकालना आ जाए सो so गाइज अब क्वेश्चन हमारा क्या आता है क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक गाइज सो क्वेश्चन नंबर वन इज वेलशे कंपनी है प्रोजेक्ट एंड इज नाउ कंसिडरिंग हाउ टू फाइनेंस इटे उसको फाइनेंस कर रहे हैं दुड बी लीज ओवर फोर ईयर एट अटल ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड पर ईयर पेबल एट दर के हमें साल की बिगनिंग में ही पेमेंट करनी है टैक्स इज पेबल एट थर्टी परसेंट वन ईयर इन एर इ मतलब जब भी हमारा खर्चा होता है उसके एक साल बाद टैक्स पे करना होता है टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग टेन परसेंट हमें टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग दी हुई है हमें है. है निकालना तो ठीक हम यहां पे लिखते हैं हैं सबसे पहले. Years, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी देखते हैं, जो फालतू का वो हटा देंगे अभी कर देते क्या नुकसान है कुछ भी नुकसान नहीं है अब यहाँ पे लिखा जाएगा कैश फ्लो अब कैश फ्लो में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि हम रेंट पे वो चीज़ ले रहे हैं लीज पे चीज ले रहे हैं तो अगर हम लीज पे चीज़ ले रहे तो हैं इसका मतलब क्या है कि हमें हर साल थर्टी सिक्स थाउजेंड रेंट पे करना है और थर्टी सिक्स थाउजेंड पे करना है हमें इन द स्टार्ट ऑफ ईयर तो एक साल बाद हम रेंट नॉर्मली जो खर्चा होता है या हमें इनकम स्टार्ट होती है वो एक साल बाद आने स्टार्ट होती है यहाँ पे स्टार्ट होती है लेकिन अगर हम रेंट पे कर रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग में दैट मीन्स ईयर जीरो में मुझे रेंट पे करना पड़ेगा तो माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड ये मेरा होगा रेंट पे कंट्रोल सी ये मैंने कर दिया सब में ये मैंने कितने साल का है फोर uh, इयर्स तो ज़ीरो वन टू थ्री ये तीन चार साल का हो गया मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर देखो ये जो रेंट मेरा ध्यान से सुना गाइस ये जो रेंट मेरा है थर्टी सिक्स थाउजेंड ये है इस साल का रेंट है फर्स्ट ईयर का एक साल जब हम काम करेंगे उसके बाद ही रेंट पे करेंगे लेकिन हमें बोला गया कि रेंट हमें एक साल बिल्कुल बिगनिंग में पे करना है तो इसीलिए मैंने रेंट यहाँ पे लिखा है अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो कुछ ना होता नेक्स्ट ईयर से रेंट होता ये हमने क्यों लिखा है क्योंकि रेंट हमें जो पहले साल का रेंट है वो हमें बिल्कुल बिगनिंग में पे करना है तो मैं ये मानता हूँ जैसे अगर मैं बोल के चलूँ फर्स्ट जान से फर्स्ट जैसे अप्रैल की बात होती है सिक्सथ अप्रैल 2022 और फिफ्थ अप्रैल 2023 लेट्स से थ्री लेट्स जस्ट एन एग्जांपल ठीक है अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं या अकाउंटिंग ईयर चलते हैं फर्स्ट अप्रैल 22 31st मार्च 23 नॉर्मली जब मैं काम करूंगा तो 30 जब मैं एक साल पूरा काम करूंगा टेक्निकली तो रेंट मुझे यहां पे पेबल पे होगा क्योंकि पूरा साल मैंने वो प्रॉपर्टी यूज़ करी है यूज़ करने के बाद ही रेंट पे करेंगे ना अगर पहले रेंट पे कर दिया और प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी तो वो तो रेंट में वापस ले सकते प्रॉपर्टी वापस कर दी तो पूरा साल जब काम किया उसके बाद पेबल आएगा दैट दिस रिलेट्स टू नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ईयर पे करना होगा तो मतलब रेंट एक्चुअली में पे करना था इस साल में थर्टी सिक्स थाउजेंड लेकिन हमें इस साल में ना पे करके हमें बोला गया कि हमें एडवांस में पे करना है बिल्कुल इनिशियली यहाँ पे हमें पे करना है तभी मैंने रेंट फर्स्ट साल में माइनस कर दिया ठीक है अब उसके बाद देखो ये मैंने किया माइनस अब इसके ऊपर मुझे टैक्स रिलीफ मिलेगा जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ इससे मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा अब ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से देखना ये जो मेरा रेंट है दैट रिलेट्स टू दिस टाइम ये जो मेरा रेंट है दैट रिलेट्स टू फर्स्ट ईयर जो मैंने बताया तो इस पर जो मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा टैक्स बेनिफिट हमेशा अगले साल मिलते हैं तो यहाँ मुझे इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा याद रखना इसका जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो मुझे यहाँ मिलेगा तो टेक्निकली जो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा यहां मैं लिखूं टैक्स रिलीफ ये मिलना शुरू होगा सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर का रेंट मैंने पहले पे कर दिया दैट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन पे तो यहां करना था तो इसका जो टैक्स रिलीफ मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा तो यहां मुझे टैक्स रिलीफ मिलेगा इज इक्वल टू माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दिस इनटू थर्टी परसेंट टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया देखो एक प्लस में आ गया दैट मीन्स वन जीरो एट जीरो का मेरे को इनफ्लो हो जाएगा एक तरह से बेनिफिट हो जाएगा जितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ उस पर मेरा टैक्स बच रहा है तो दिस विल बी ए इनफ्लो फॉर मी तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी नीचे एक दो तीन चार साल में पेस्ट इसके बाद तो कुछ भी नहीं अगर मैं यहाँ करूँ ज़ीरो आएगा ठीक है ये मैंने सिक्स ईयर हटा दिया तो इस तरह से मेरा बनाया गया है चार्ट पहले साल का जो रेंट था वो मैंने पहले पे कर दिया इनिशियली तभी मैंने जीरो में लिखा है लेकिन इस पर जो टैक्स रिलीफ मिलेगा ये मत सोचना कि यहां पे करा है तो टैक्स रिलीफ यहां मिल जाएगा नहीं टैक्स रिलीफ मिलता है जिस साल का वो रेंट है बेसिस पे इस साल का वो रेंट है तो अगले साल टैक्स रिलीफ मिलेगा अब बस यहां पे हम लिख देते हैं अपना पी वी एट प्रेजेंट वैल्यू एट टेन परसेंट यह तो अब आई थिंक सबको रट्टा हो चुकी होगी कि कैसे निकालना है यहां आ जाएगा वन यहां आ जाएगा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन जीरो सबको रट्टा मार चुका होंगे इतनी बार क्वेश्चन कर लिया अब तो दिमाग भी नहीं लगाना ये हो गया देन अच्छा एक चीज गाइज रहेगी मैं काम करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ कट कंट्रोल एक्स कट और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट मैंने कंट्रोल एक्स कट किया है तो फार्मूला भी सारा ऑटोमेटिकली कट हो गया सेल्स नहीं शिफ्ट होंगे फॉर्मूले में याद रखना अगर तुम कहीं भी क्लिक करोगे तो सेल्स तुम्हारे वही रहेंगे जब भी याद रखना जब भी हम कट करते हैं तो सेल्स जो हमारे फॉर्मुला जो लगा होता है वो सेल्स कभी भी चेंज नहीं होते ठीक है थीके? ये मैंने क्यों किया क्योंकि यहां को लिखना है टोटल टोटल कैश फ्लो क्या होगा टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू सिंपल दिस प्लस दिस चाहे प्लस है माइनस डिजेंट मैटर मैंने लिख दिया कंट्रोल सी कॉपी और नीचे तक पेस्ट ये लो तो ऑटोमेटिकली इसने मेरा कैश फ्लो निकाल दिया पहले साल माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस प्लस अब ने आप आ गया देखो अब सिंपल मैं यहां क्या करूंगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इन टू दिस एंटर कंट्रोल सी कॉपी यहां सब में पेस्ट और यहां पे इज इक्वल टू समट स्टार्ट सबका टोटल ब्राकेट क्लोज सिंपल मेरा आंसर आ गया माइनस नाइन फोर फोर पॉइंट जीरो फोर माइनस नाइन फोर फोर पॉइंट जीरो फोर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना नहीं अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि के दोनों केसेस में कि के एनपीवी थ्रू हमारा लीज के लीज एनपीवी और अगर मैं इसको बाय करता हूं तो उस केस में एनपीवी कितना आता है तो जिसमें एनपीवी कम होगा वो वाला ऑप्शन मेरा बेटर होगा जिसमें एनपीवी कम होगा वो वाला ऑप्शन मेरा बेटर होगा ठीक है ना एनपीवी जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है तो एनपीवी जितना कम होगा जितना कम नेगेटिव होगा उतना ज्यादा बेटर होगा ठीक है तो लीज के केस में हमारा एनपीवी इतना आ रहा है सोचो अगर हम बाय करते और एनपीवी आता माइनस एट सिक्स सेवन नाइन टू लेट्स एस्ट एन एग्जाम्पल तो मतलब हम बाय करते प्रोजेक्ट वो ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि एनपीवी कम आ रहा है दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन ठीक है तो ये होगा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन अब करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर टू आज की वीडियो में इतना ही करेंगे एक बार जो मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देख लेना अच्छे से समझ लेना और क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया है तुम एक्सेल में ही सॉल्व करना या स्प्रेडशीट में ही सॉल्व करना वो बेटर है अब तुम बुक में देखोगे एक चीज ध्यान से सुना बुक में अगर तुम देखोगे तो बुक में जो उन्होंने आंसर निकाला वो कैसे निकाला हुआ है बुक में उन्होंने यूज किया हुआ है एनुटी से एनुटी से कैसे इन चारों का इन्होंने इन क्या किया हुआ है दिस और इन चारों का टोटल सो so, क्या करा हुआ है थर्टी सिक्स थाउजेंड इन टू एन फैक्टर दिस प्लस ये थ्री एन टेबल का भी हमें फॉर्मुला पता है एनुटी टेबल में से भी चेक कर सकते हो चार साल का बट एनटी टेबल के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि पहले ये चार और ये चार तो एनुटी फैक्टर तुम देखोगे चार साल का या तीन साल का वो मिलेगा इन तीनों का टोटल प्लस वन एनटी फैक्टर ऐसे आ जाएगा और यहाँ का एनुटी फैक्टर इन चार का टोटल प्लस इन चारों का टोटल तो इसको तुम एनुटी फैक्टर ऑफ इन चारों के टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे कि वन जीरो एट जीरो जीरो इन टू एनुटी फैक्टर ऑफ ये चार यानी इन सबका टोटल और यहाँ होगा थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू एनुटी फैक्टर ऑफ ये वाले चार ठीक है ये तुम्हारे को माइनस ये माइनस है प्लस दिस क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा ये प्लस और वो तुम्हारा जाएगा आंसर जैसा उन्होंने बुक में निकाला हुआ ठीक है ये माइनस में है तो आंसर इसका ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा प्लस ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव में आएगा तो इन्होंने आंसर निकाला हुआ है इट इज़ टोटली अप टू यू हाउ यू फाइंड द आंसर मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि स्प्रेडशीट अगर है कैलकुलेटर से बेटर स्प्रेडशीट यूज करो ना कि तुम्हें लॉजिक भी पता हो और तुम किसी को प्रेजेंट भी कर सको किसी को समझा भी सको कि तुमने आंसर कैसे निकाला है ठीक है चलो अब आता है हमारा हमारे अंडरस्टैंडिंग नंबर टू एक बार उसको पढ़ते हैं अच्छे से <coughs> इसको नीचे कर देता हूं मैं अब सो so, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टू इज

लीजिंग कंपनी टू लीज ओवर फाइव इन पॉइंट फोर टू मिलियन पर ईयर पेबल इन एडवांस जैसा हमने पढ़ा था एडवांस में इतना पे करना है स्क्रैप वैल्यू इन बोथ प्रोजेक्ट विल बी जीरो अब हमें बताना है दोनों केसेस में हम अपना अगर आंसर निकालते हैं तो क्या आएगा ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मैं डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ही हम डेप्रिसिएशन पर अपना टैक्स लीव देख सकते हैं तो लेट्स लेटमी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फर्स्ट तो देखो ध्यान से देखना गाय मैं कैसे निकाल रहा हूं कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड मेरी क्या है कॉस्ट ऑफ एसिड इज सिक्स फोर जीरो 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 मैं जीरो जीरो में फिगर्स निकालता हूँ पूरा प्रॉपर आंसर ठीक है उसके बाद डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर की कैसे निकालेंगे इज इक्वल टू दिस इन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट है ना इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट यह हो जाएगी मेरी पहले साल की डेप्रीसिएशन अब अगले साल से मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मैं क्या करूंगा मैंने बताया था ध्यान से सुनना रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब इस पर अभी मैंने ट्वेंटी फाइव परसेंट डप्रिसिएशन निकाली जो कि आर्यदेश तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी और अब मैं जो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर की निकालूंगा डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर की वो कैसे निकलेगी गाइस सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला है इसको मैं सेवेंटी फाइव परसेंट कर देता हूँ क्यों अगर मेरी कॉस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम होगी तो ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम होना मतलब डेप्रिसिएशन सेवेंटी फाइव परसेंट पर निकालना तो इज इक्वल टू दिस इन टू सेवेंटी फाइव परसेंट देखो एक तो ये हमारे पास सिंपल तरीका है ठीक है दूसरा तरीका क्या होता है गाइस दूसरा तरीका क्या होता है देख लो तुम सारे बोलोगे पहले मैंने लिखी कॉस्ट जो भी कॉस्ट है इस पर डेप्रिसिएशन लगाई इज इक्वल टू दिस इन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस ये मेरी आगे रिटन डाउन वैल्यू तो ये है मेरी कॉस्ट ये है डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की ये रिटन डाउन वैल्यू अब नेक्स्ट ईयर की दिस इन टू अब यहाँ तो ये भी कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूला डेप्रिसिएशन से कॉपी कर लो और इसको यहाँ पेस्ट करते चले जाओ पूरा कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कि डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर रिटन डाउन वैल्यू Depreciation थर्ड ईयर रिटन ऑन वैल्यू depreciation फोर्थ ईयर रिटर्न ऑन वैल्यू depreciation फिफ्थ ईयर रिटर्न ऑन वैल्यू हम ये भी कर सकते हैं फिफ्थ ईयर की लाइफ है इसकी तो फिफ्थ ईयर में तो स्क्रैप वैल्यू आएगी तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगेगी ये हमें देखना ही नहीं है ठीक है ना क्योंकि हमने पढ़ा था इस चैप्टर में एनपीवी की कैलकुलेशन में कि जिस साल एसेट की वैल्यू खत्म होती है जिस साल वो डिस्पोज होता है उस साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते तो एक तो तरीका ये है गाइस ये तो सिंपल तरीका है जो हम नॉर्मल डेप्रीसिएशन चैप्टर में पढ़ते हैं शॉर्टकट तरीका क्या है मैं डेप्रीसी को ही 25 परसेंट से रिड्यूस कर रहा हूं दैट मीन 75 परसेंट पे लगा रहा हूं तो डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर डेप्रीसी थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर की तो मुझे चाहिए ही नहीं ठीक है तो दीज आर टू मेथड हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं दैट इज टोटली अप टू यू दिस इज सिंपल मेथड कॉस्ट डेप्रिशिएशन इड डाउन वैल्यू फिर अगले डेप्रेशियन इड डाउन वैल्यू अगले डेप्रेशन इंड डाउन वैल्यू मैंने क्या किया इन तीनों को लिखा लिखने के बाद इसको कॉपी करके यहां पेस्ट फिर यहां पेस्ट फिर यहां पेस्ट फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चलता चला गया ठीक है तो मैं अब इसको हटाता हूँ इट इज नॉट रिक्वायर्ड देखो मैंने ऊपर वाली चीज हटाई ना सब ऑटोमेटिकली हटता चला गया ठीक है तो ये आ गई मेरी डेप्रिसिएशन अब इसमें टैक्स रिलीफ कितना होगा डेप्रीसिएशन पे इंटू टैक्स रिलीफ बिल भी मेरा आएगा थर्टी परसेंट तो कंट्रोल सी इन चारों पे ये आ गया अब गाइज देखो एक और चीज इसके अलावा अगर मैं देखू रिटर्न डाउन वैल्यू फिफ्थ ईयर फिफ्थ ईयर में मेरी रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू ये मेरी कॉस्ट थी माइनस पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस तीसरे साल की माइनस चौथे साल की तो दैट मीन फिफ्थ ईयर में इसकी इतनी होगी रिटर्न ऑन वैल्यू है ना और फिफ्थ ईयर में लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू एसेट की जीरो है दैट मीनस ये मेरा क्या हो गया बैलेंस अलाउंस अलाउंस मतलब एक तरह से मेरा लॉस हो गया ये भी मेरा लॉस है फिफ्थ ईयर में एसेट की वैल्यू जीरो हो रही है खत्म हो रही है तो ये जो मेरे पैसे लगे हुए थे बर्बाद हो गए तो ये जो पैसे मेरे लगे हुए थे इस पर भी मुझे टैक्स रिलीफ मिलेगा तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट तो फिफ्थ ईयर में, में मेरे को इतना टैक्स रिलीफ मिल जाएगा सिक्स जीरो सेवन फाइव क्यों मिलेगा क्योंकि ये मेरी जो डेप एसेड की रेड डाउन वैल्यू बची हुई थी आज की डेट में एसेट की वैल्यू ज़ीरो है बिकेगा ही नहीं किसी भी चीज़ का तो ये खर्चा भी मेरा वेस्ट हो गया दैट इज अ लॉस फॉर मी लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन डिस्पोजल उस पर भी मेरे को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैंने टैक्स बचेगा मेरा एक्सपेंस है तो दिस इज द टैक्स रिलीफ फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ठीक है गाइस अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं ऑप्शन करता हूं बाय वाला बाय वाले ऑप्शन से करते हैं ध्यान से देखना गाइस अब मैं थोड़ा सा मेथड वो लगाऊंगा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैं ईयर्स यहां लिखता हूं उसके थ्रू चलते हैं वो थोड़ा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी ईयर्स जीरो वन टू थ्री फोर थोड़ा छोटा करता हूँ गाइस प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना मुझे छोटा करना पड़ रहा है इसको फोर फाइव और एक सिक्स सिक्स भी आएगा इसमें क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है ठीक है ये ईयर्स है उसके बाद मेरा सबसे पहले आएगा कैश फ्लो तो कैश फ्लो में देखो गाइस अब कैश फ्लो में सबसे पहले मेरा आएगा जो मैंने परचेज किया है प्लांट कितने का परचेज किया सिक्स पॉइंट फोर मिलियन तो मैं यहां कर देता हूं सिक्स पॉइंट फोर मिलियन जीरो 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 पूरी वैल्यू जीरो में निकाल के करूँ अपना आंसर ठीक है तो और ये लिखा है का, आएगा का मेरा नेगेटिव में दिस विल बी माइनस क्योंकि कैश जाएगा सिक्स फोर जीरो 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 चाहे मैंने लोन लिया लेकिन ये मेरा कैश जाएगा अरे यार एक काम करते हैं इन मिलियंस ही आंसर निकालते हैं इन मिलियंस ही आंसर निकालते हैं तो माइनस सिक्स पॉइंट फोर ऐसी करता हूँ मैं थोड़ा सा गाइस वो तो वैल्यूज में चक्कर पड़ जाएगा और इसको भी मैं इन मिलियंस निकाल देता हूँ तो इन मिलियंस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय वन जीरो 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 ये मेरा जो आंसर है दिस इज इन मिलियंस अब देखो ये वैल्यूज सारी जो है मिलियंस में आ गई ठीक है सिंपल मिलियंस में, में मेरी वैल्यूज आ गई तो ये तो मेरा है पहले साल का कैश आउटफ्लो क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने परचेस किया है उसके बाद मेरे को हर साल इस पर मिलेगी डेप्रीसिएशन इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस लेकिन डेप्रिसिएशन पे मुझे इतना टैक्स रिलीफ मिलेगा तो पहले साल जो मेरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगी ध्यान से सुना गया जो यहाँ पे मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी उसका टैक्स लीफ मुझे अगले साल मिलेगा तो टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर एट प्लस में आएगा यहाँ पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स वहाँ पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू सेवन फिफ्थ ईयर में आ जाएगा पॉइंट ज़ीरो टू फाइव पॉइंट टू ज़ीरो टू फाइव और सिक्स ईयर में मेरे को जो टैक्स रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सेवन फाइव जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सेवन फाइव देखो भाई ध्यान से देखना मुझे कैश फ्लो में सबसे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट में खर्चा किया सिक्स पॉइंट फोर मिलियन चाहे लोन लेके करा बट एक बार तो मेरा आउटफ्लो गया ना इतना ये मेरा आउटफ्लो है उसके बाद इतना मेरे को उस पर डेप्रिसिएशन पर टैक्स रिलीफ मिलेगा टैक्स रिलीफ टैक्स रिलीफ टैक्स रिलीफ टैक्स रिलीफ जो फिफ्थ ईयर में जब एसेट मैं सेल करने बैठा तो देखो मैंने देखो मेरे को मिला मुझे कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिली जब स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं मिली तो ये जो मेरी वैल्यू बची हुई थी इस पर पूरी डेप्रिसिएशन लगी एक तरह से पूरा लॉस है वो भी मुझे बेनिफिट मिला दैट विल गो टू सिक्स ईयर तो मेरे आगे कैश इनफ्लो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है गाइस अब सिंपल मैं निकाल लें तो अपना प्रेजेंट वैल्यू अब यहां पे मुझे दिया हुआ है प्री टैक्स 11.04 पॉइंट फोर तो पोस्ट कितना जीरो आंसर .114, .114 आता है सेवन पॉइंट नाइन एट परसेंट तो ये मेरा आता है सेवन पॉइंट नाइन एट परसेंट सेवन पॉइंट नाइन एट परसेंट और इसको मैं एट परसेंट भी बोल सकता हूँ ठीक है सेवन पॉइंट नाइन एट एट परसेंट में कोई फर्क नहीं है तो एट परसेंट प्रेजेंट वैल्यू एट एट परसेंट तो ये देखो यहाँ पे पहले साल की होती है वन ज़ीरो की इज इक्वल टू अब यहाँ पे इज इक्वल टू पहले ऊपर करते थे तो दिस डिवाइड बाय वन पॉइंट ज़ीरो एट एंटर इसको किया कॉपी और यहाँ सब में कर दिया सिक्स ईयर तक पेस्ट कंट्रोल वी बस सिंपल मैंने कुछ नहीं किया फॉर्मूला वही है सिर्फ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चला गया अब आ जाएगी मेरी प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे इज इक्वल टू दिस इनटू दिस कंट्रोल सी ये सबको सिलेक्ट किया यहां तक कंट्रोल वी ठीक है ये में आ गई प्रेजेंट वैल्यू सो एनपीवी ऑफ दी प्रोजेक्ट एनपीवी क्या होगा इन सब का टोटल तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इन सब का टोटल सिक्स तक का इन सब का टोटल ब्रैकेट क्लोज एंटर सो एन पी वी इज जीरो फोर पॉइंट नाइन एट माइनस फोर पॉइंट नाइन एट ये मेरा आ रहा है एन पी वी फर्स्ट केस में ठीक है फोर पॉइंट नाइन एट थ्री दिस इज एन पी वी इन केस नंबर वन जब मैं कर रहा हूँ बाय ठीक है एक चीज याद रखना गाइस यहाँ पे कि अभी यहाँ पे फिफ्थ ईयर में यहाँ पे मेरी कोई भी डिस्पोजल वैल्यू नहीं है इसमें लिखा हुआ स्क्रैप वैल्यू इज जीरो अगर डिस्पोजल के टाइम पे हमें कुछ कैश आता तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते इट वुड बी अ कैश इनफ्लो एज वेल कि डिस्पोजल से हमें कुछ पैसे आए हैं तो डिस्पोजल करने के बाद हमारे को ऑफ कोर्स यहाँ पे ये यह हमारी रिटर्न वैल्यू है माइनस डिस्पोजल जो भी हमारी वैल्यू आती उसके बाद जो बचता फिर हम देखते हैं कि डिस्पोजल वैल्यू ज़्यादा है या कम है बैलेंस अलाउज़ है या बैलेंस चार्ज है वो हमने पिछले चैप्टर में सारा कर लिया ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है ठीक है, बट ये ध्यान रखना यहां पे हमारी फिफ्थ ईयर में डिस्पोजल वैल्यू भी आती है उसको स्किप मत कर देना तो ये तो है हमारा ऑप्शन कि अगर हम बाय लेके चलते हैं अब अगर मैं इसको लीज लेके चलता हूं कोई बात नहीं लीज लेके चलते हैं, तो एक मैं काम करता हूं ईयर्स कॉपी कर लेता हूं सी लीज के नीचे वी कैश फ्लो अब कैश फ्लो मैंने तुम्हें बताया था सेम इसमें भी लॉजिक यही है क्या लॉजिक है गाइस कैश फ्लो में कि कैश फ्लो में पहले साल जो अब मैं लीज पे 1.42 मिलियन पर ईयर पे कर रहा हूँ इन एडवांस तो पहले मैं यहाँ पे करूंगा 1.42 नेगेटिव सॉरी माइनस वन पहले साल कितना पाँच साल के लिए तो टिल फोर ऐसे जाएगा ठीक है फर्स्ट ईयर का यहाँ पे करा तो माइनस वन पॉइंट फोर टू माइनस वन पॉइंट फोर टू पांच साल तक हमने पे करा ये होगा अब उसके बाद इस पर मेरा जाएगा कैश फ्लो एक और कैश फ्लो उस पर आएगा आ, टैक्स रिलीफ अब टैक्स रिलीफ मुझे मिलना शुरू होगा जैसे मैंने बताया था सेकेंड ईयर से तो इज इक्वल टू माइनस इस वैल्यू का थर्टी परसेंट जो भी मैं रेंट पे कर रहा हूं उसका थर्टी परसेंट मुझे मिलेगा यह मैंने अगर तुम फॉर्मुला देखो मैंने यहां माइनस क्यों लिखा है क्योंकि यह वैल्यू माइनस में है अगर मैं दिस इन टू थर्टी परसेंट करता हूं तो टैक्स लीव भी माइनस में आएगा बट इट इज अ इनडायरेक्ट कैश इन फ्लो मेरा टैक्स बच रहा है तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और आंसर प्लस में आ जाए इसको किया कॉपी और नेक्स्ट सिक्स तक पेस्ट ठीक है वही सेम चीज जैसे हमने पिछले चैप्टर क्वेश्चन में पढ़ी थी ये हो गया टैक्स लीव एक दो तीन चार पांच बस अब हम निकालेंगे टोटल कैश फ्लो सी एफ कर देता हूं टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अब पॉइंट क्या है जो मैं चीजें कर रहा हूं ना सारी लॉजिकल है तुम्हें चीजें लॉजिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर तभी तुम एक्सेल में इस चीज को कर पाओगे इजिली मेरे को लॉजिक्स क्लियर है मुझे क्या करना है ये फॉर्मूला मत रट्टा मारना के जो मैं कर रहा हूं रट्टा मत मारो अपना लॉजिक लगाओ बस लॉजिक लगाओ कि मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ कि टोटल इन दोनों का टोटल ये टोटल कैश फ्लो आ गया प्रेजेंट वैल्यू एट ही रहेगी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट ये हो गया मेरा कॉपी पेस्ट और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इंटू दिस एंटर कंट्रोल सी सिक्स ईयर तक गया कंट्रोल वी पेस्ट और यहाँ पे मेरा आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से लेके लास्ट तक सिक्स ईयर तक का ब्रैकेट क्लोज एंटर तो यहां पे मेरी एनपीवी आ रही है माइनस फाइव फोर एट अब देखो एनपीवी ऊपर वाले केस में मेरी आ रही थी एनपीवी यहां मेरी एनपीवी आ रही थी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं देखो जब मैंने बाय ऑप्शन सिलेक्ट किया बाय के केस में मेरी एनपीवी आ रही थी माइनस फोर पॉइंट नाइन और लीज के केस में मेरी एनपीवी आ रही है माइनस दैट मीन यहां एनपीवी कम है तो आई विल चूज दी ऑप्शन लीज ठीक है क्योंकि लोअर जो कॉस्ट है वो लीज़ में कम आ रही है कॉस्ट हमारी दैट मीन्स हायर एन आ रही है हमारी लीज़ में नेगेटिव कम मतलब हायर तो so, हम चूज़ करेंगे लीज वाला ऑप्शन ठीक है सो कॉस्ट ऑफ लीजिंग इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग सो देयर फॉर वी विल टेक एसिड ऑन लीज

कि बताओ फिफ्थ ईयर में हमें टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा वो ये मिलेगा तो सारी चीजें तुम्हें यहां से क्लियर हो जाएंगी एक बार वर्किंग करनी है बस तो इस वर्किंग को अपना बिल्कुल पेट वर्किंग बना लो स्टार्ट यूजिंग स्प्रेडशीट ताकि बड़ी जल्दी जल्दी तुम्हारे आंसर सॉल्व होने शुरू हो जाए जैसे मैंने करा तुम देखो लॉजिकली मैंने कैलकुलेशन के ऊपर तुम एक चीज सोचना मैंने कैलकुलेशन के ऊपर तो अपना जो ये दिमाग होता है ये खर्च ही नहीं किया वो सब स्प्रेडशीट कर रहा है मैं अपना दिमाग खर्च कर रहा हूं स्प्रेडशीट की फॉर्मेटिंग में कि कौन सी चीज कहां डालनी है कहां फॉर्मुला लगाना है कहां मल्टीप्लाई करना है लॉजिक्स में कैलकुलेशन इसका काम है करना है। जैसे कैलकुलेटर का काम होता है करना है वैसे स्प्रेडशीट का काम है ठीक है सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन चलो आज इतना ही एक बार ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना समझ लेना नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट